क्या हालचाल सबके। तो स्वागत है तुम सबका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। क्या यही सोच रहे हो कि मैंने अभी से अपने स्पेशल रेड ग्लासेस के पहने हुए? देखो एक्चुअली माय फीमेल ऑडियंस थिंक कि मैं इन ग्लासेस में ज्यादा सेक्सी लगता हूँ। चल झूठा। तो वैसे तो मैं हूँ भी सेक्सी, ये भी ठीक है, चल इनमें ज्यादा लगता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। हंसा कर रहा हूँ, मैंने ग्लासेस इसलिए पहने बिकॉज मेरी लेफ्ट आई कुछ ज्यादा रेड हो रखी है, पता नहीं किस खुंदक में, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को मार के बैठाया शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक इंडियन जुगाड़ लगाते हैं। देखो लेफ्ट आई रेड ऑब्वियसली हो ही रखी है, तो मैंने इसके ऊपर एक और लाल रख दिया। तो मैंने एक लाल ग्लासेस ही पहन लिया, अब इन ग्लासेस के पीछे लाल है पीली है क्या ही पता लग रहा है। देखो काम हो रहा है, चल लें। इंडियन से याद आया, मैंने आज एक ऐसा इंडियन एड देखा जिससे देख के मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ गए। मैं कसम बता रहा हूँ इंडियन एड्स में इतनी ज्यादा डबल मीनिंग बातें होती है। एक तो इनके एड समझ में आते हैं, इन्वर्टर बल्ब दिखा के साइकिल बेच रहे होते हैं, उसके बाद ये डबल मीनिंग चीज है। एक एड देख के मैं और एड देखने गया, मैं इन एड के समुद्र में तैरता रहा और मैं बता रहा हूँ इसका कोई एंड नहीं है। बट स्टिल मैंने उनमें से कुछ एड्स निकाल लिए तुम्हारे लिए, अब तुम उन्हें देख के बताना कि ये एड सूटेबल है बच्चों के लिए कि नहीं है। देखो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं है, बट यू नो स्टिल एड ऐसे होने चाहिए लोग देख सके। लाइक बल्ब के एड में तुम ऐसे हरकतें करोगे तो यार मैं क्या ही बोलूँ यार। अगर तुम्हें ये एड समझ नहीं आ रहे तो देखो या तो तुम बहुत ज़्यादा शरीफ हो या तुम बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम छोड़ो, तुम देखोगे तुम समझ जाओगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां ना छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। अब मुझे बात बताओ ये एड ऐसे स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं बताता रहूं, ये अपने एड पे दिखाते कुछ और है, ये बेचते कुछ और है। लाइक ये क्या साइज बात का, ये बताओ। ये भी कुछ इन्वर्टर का होगा शायद, नहीं इन्वर्टर का तो नहीं लग रहा। हरी अप यार, जल्दबाजी का कुछ कुछ। इट्स ओके, लेट्स लीव। आई हैव द सेम रिएक्शन जैसे उस बंदे का है। तू अंदर क्या कर रहा था? सर अंदर डस्टिंग कर रहा था। किसकी डस्टिंग कर रहा था मैं? बहुत तेज हो रहा है। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। अरे भाई मरो, मुझे मरो, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बल्ब नहीं तो तुम्हें बंदर दिख रहा है भाई, आवाज तो आ रही है इतनी देर से, वो अंदर से चिल्ला रही है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, कुछ तो मतलब साउंड वाउंड कुछ नहीं, लाइक बहरा है वो, बोले क्या चल रहा है वो, तो दिखा गया दिखाने का जाते तो भाई कुछ भी चल रहा है। मैं बता रहा हूँ इंडियन एड्स में कुछ भी चलता है, कुछ कुछ एड्स तो ऐसे बना देते हैं कसम से रोना निकल जाता है। सही बता रहा हूँ, मतलब क्या ही बनाते हैं यार ये। ओके एक और हनीमून वाला, मैं भी सारे एड ऐसे हनीमून से कुछ आउट होते हैं, मुझे जानना है प्लीज ऐसा क्या 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 चश्का है लोगों को भाई हनीमून का, ही बताओ मेरे को। लेजी कहाँ का हाथ मारो है बे? वो है सिरी, मैं मर जाऊँगा। माय एक्स बॉयफ्रेंड। ओह एक्स बॉयफ्रेंड। वाह इसे आप पता लगे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में और एक अलग हो गया, क्या चल रहा है यार ये? टैटू है वो कैसे थोड़ी बिट जाएगा भाई, नहाते नहीं है क्या रोज? Things in life are rewritable. Ultra smart range of CDRs and DVDRs from Eurovision. आई गेस मेरा आज का हो गया है। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करके तुमने जोड़ दिया उसे, कुछ ना कुछ करके तुमने जोड़ दिया, एड बना दिया। ये क्या था बे? लाइक व्हाट द फक, क्या चल रहा है ये भाई? कुछ को भी किसी से जोड़ा जा रहा है भाई। ठीक है भाई ठीक है, लाइक ये तो एपिक था, दिस वन वाज एपिक, नॉट गोना लाइक दिस वाज एपिक, सही बता रहा हूँ, रीराइटेबल। ठीक है भाई,
ओके एक और मियां बीवी का ऐड। बहू हां न्यूली मैरिड लग रहे हैं। तुम लोग रोज रात को करते हो ना? रोज करते हैं पर उनको काफी दर्द होता है ना। तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। पर सब तो बोलते हैं ये डॉक्टर्स का सुझाव नंबर वन ब्रांड है। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पूरी रात प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स्ड भी लगता है। तुम दोनों को भी रोज रात को करना चाहिए ताकि हमारी उम्र में आकर हेल्थ अच्छी रहे। रात को तुम्हारे सब कुछ हाइजीनिक रखते हो? ओरल का भी रखो। ओरल भी अब से? What the fuck, कैसे बोल रहे हैं ओरल भी? भाई मतलब कुछ, भाई मतलब कुछ, क्या क्या ऐड का बोला है ये? मुझे जानना है ऐड किस चीज का है। ऑलराउंड प्रोटेक्शन के लिए एक्वावाइट फाइट्स ऑल साइंस ऑफ टूथ डिके। एक्वावाइट, वी मेक द वर्ल्ड स्मार्ट। मुझे जानना है उसने क्या बोला कि रोज रात को ब्रश करते हैं, ठीक है। ब्रश बोलने में लाइक मौत आ रही थी, लाइक ब्रश वर्ड लगाने में मौत आ रही थी तुम लोगों को कि हाँ रोज रात को ब्रश करते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रश करते तो दर्द होता है, ठीक है हम समझ जाते हैं। ये वो एक गैप छोड़ने की क्या जरूरत थी, लाइक क्यों जरूरत थी? और वो बार बार नीचे क्या देख रहा है, वो क्या चल रहा है ये? मतलब भाई भाई का सबसे ये वाला एड अभी तक का सबसे वियर्डेस्ट एड था। लेकिन एक वर्ड बोले में मौत आ रही थी, क्या क्या चल रहा था? अगर एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल देते तुम स्किप भूल जाते, क्या हो जाता? वियर्ड मार्केटिंग, बट ठीक है चलने देते। क्या जा रहा है? बेबी आज मम्मी पापा घर पे नहीं है। तो तू पिंकी के घर चली जा। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो तू पिंकी का घर बुला ले। अभी फड़फड़ाते दिए हंगर ना, तुझे ट्यूबलाइट बना देती है। सिग्मा मैन, भाई सिग्मा मैन, क्या हंगर, क्या सिग्मा मैन है वो, क्या सारे आईडी क्वालिटी बुरी क्यों होती है? मुझे समझ नहीं आता यार, तो वैसे कुछ दिखता नहीं है। ओके व्हाट्स दैट? अच्छा लिपस्टिक का स्टेन। ओके पूरे ले जा रही है, क्या कर रहे हैं भाई? बंदा ऑटो ऑटो लेके आया, ये पैदल लेके निकल रही है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है इंडियन वाइब्स। तुझे पता था कि इसी का है? Put stains back where they belong. एक्चुअली ये टाइड ने बनाया है कि लाइक ये ठूसा गया है इसका नाम, ये क्या ऐड था? आई गेस मेरे कुछ ब्रेन सेल्स चले गए, जा चुके, मेरे दिमाग में नहीं है ये क्या ऐड था। कैन समवन एक्सप्लेन, ये था क्या ये? लाइक उसने क्या सोचा था और ये क्या निकल रहा है? लाइक तुम इट्स लाइक अ पजल फॉर यू कि ये ऐड छाट हो रहा है तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि वो ऐड किस चीज़ का है और वो ऐड क्या है, उसमें क्या होने वाला है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें लिटरली कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें बस गेस करना है। कैस कर लिया तो ठीक है, तुम अलग स्पीशीज हो, नहीं कर पाए तो तुम इंसान हो। सही बता रहा हूँ मैं तो। इसी के साथ कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मेरा दिमाग हैंडल कर पाएगा ये चीज़, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को भी टॉर्चर करूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड कुछ नहीं तो ऐसे ऐड अगर आते रहे तो 2-3 स्ट्राइक तो मेरे चैनल पर आ जाएंगे, तो इससे अच्छा है मैं ये बंद कर दूँ। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो